I can't speak in Telugu. So, I like to speak in Hindi. I feel everybody will know the Hindi. Why? Because we are living in Telangana. Sir, मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो बामसेफ का एक विंग है उसका मैं अध्यक्ष हूँ. बीसीस के सेंसस के बारे में बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखे हैं और ये सेंसस के बारे में पार्लियामेंट में गृह मंत्री स्टेट गृह मंत्री ने कहा कि सबकी गिनती होगी लेकिन बीसीस की नहीं होगी. ये वेरी क्लियर. तो कभी आप सोचते हैं कि बीसी की गिनती क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या वजह? एससी की होगी, एसटी की होगी और लोगों की होगी लेकिन बीसीस की नहीं होगी. तो ये ब्राह्मणवाद बहुत अच्छी तरह से जानता है कि 52% बीसीस जो हमारा वोट बैंक है, कभी राम मंदिर के नाम पे वोट बैंक है, कभी गौ माता के नाम पे वोट बैंक है, कभी गौ हत्या के नाम पे वोट बैंक है, और ये वोट बैंक को वो लोग जो है डिस्टर्ब होना नहीं चाहते, उनको जगाना नहीं चाहते. जिस दिन आपकी गिनती हो जाएगी उस दिन आप जाग जाएंगे. तो मैं अपने बीसी भाइयों से मेरी अपील ये है कि भैया आप कब तक सोते रहेंगे? कब तक आप ये जुल्म सहते रहेंगे? जुल्म जब सहेंगे तो जालिम जो है आदि हो जाएगा और जुल्म करता रहेगा, और जालिम आपको डाइवर्ट करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुस्लिम्स के खिलाफ खड़ा कर दिया. आप सोचिए कि आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि आपकी जो रिजर्वेशन है वो इस वजह से नहीं है कि मुसलमान जो है सर्विसेज में आपका कोटा ले लेते हैं. 1947 में 36% मुसलमान सर्विसेज में थे, गवर्नमेंट सर्विसेज में. आज 2% है. तो कभी गौर करिए कि कौन खा रहा है आखिर? मुसलमान तो आके आपसे रिजर्वेशन नहीं पूछता, मुसलमान तो आके आपके सर्विसेज में आपको डिस्टर्ब नहीं करता. तो फिर जा रहे कहां ये सीट्स? तो ये सीट जिनको जाना है वहीं जा रहे हैं. आपको किसी तरह से वोट बैंक बना के रखना इस मुल्क की पॉलिसी है, आरएसएस की पॉलिसी है, और ये पॉलिसी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है. ये तो कम्युनिस्टों की भी पॉलिसी है. आप जाके देखिए कम्युनिस्टों के अध्यक्ष कौन है, वो भी बम्बन है. कांग्रेस की पॉलिसी खाली कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है, उनका भी अध्यक्ष बम्बन है. बीजेपी का भी अध्यक्ष बम्बन है. तो बम्बनों की रूलिंग है यहाँ 3.5% बम्बन, आप 52% और प्लस 30% मिला के इनको रूल करते हैं, इनको गुलाम बना के रखे हैं. और ये गुलाम बनाने का इनका जो वो है, ये यूरिशियन है. ये बम्बन पहली चीज तो मूल निवासी नहीं है. कभी आपने सोचा कि ये मूल निवासी नहीं है? अब तो डीएनए की रिपोर्ट्स आ गई हैं कि ये मूल निवासी नहीं है. मायावती का और मोहन भागवत का डीएनए एक नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट्स आ चुकी है. लेकिन आज भागवत को ये बोलना पड़ रहा कि आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज जो है एक ही थे, ये आज बोलना पड़ रहा. इस वजह से कि डीएनए की रिपोर्ट आ गई. लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मणों के पूर्वज और हमारे पूर्वज एक थे, बोलिए आप साथ साथ. ब्राह्मण का डीएनए आपसे नहीं मिल सकता, तो आप फिर डिबेट कर रहे हैं. आप अपने आप को अलग रख के ये कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, बाकी गिन के आपको बोलते रहे कि ये इतने हैं, मैं अपने आप को छोड़ देता. तो ये सिस्टम जो है आपको आज़ादी से पहले भी था. आज़ादी से पहले जब बाबा साहब अम्बेडकर एस टीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की बात करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने मोहम्मद शौकत अली को और मोहम्मद अली जिना को भी एक प्रस्ताव दिया प्लेन पेपर पर और कहा कि आप अपने सारे डिमांड्स लिख लीजिए, मैं दस्तखत कर देता हूँ प्लेन पेपर पे, लेकिन आप बाबा साहब की तायीद नहीं करना. इसलिए नहीं करना कि बाबा साहब अगर पार्लियामेंट में चल जाते हैं या सेपरेट इलेक्टोरल हो जाता है तो हमेशा के लिए बम्बन खतरे में आ जाता है. तो ये गांधी जी की पॉलिसी थी. उसके बाद बाबा साहब, क्योंकि शौकत अली ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे. और आज भी हम आपको तयपन दे रहे हैं कि हम इंसाफ की खातिर यहाँ आने का मकसद यही है कि आपकी लड़ाई में हम सबसे सामने रहें. आप हमारे को सामने रखिए. हम चाहते हैं कि इंसाफ हो इस मुल्क में. अगर आपके साथ इंसाफ होगा तो एससी के साथ भी इंसाफ होगा, माइनॉरिटी के साथ भी इंसाफ होगा,
और ब्राह्मण के साथ भी इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ की हुक्मरानी आनी चाहिए। बाबा साहब को जिस वक्त बॉम्बे में महाराष्ट्र में पार्लियामेंट में हराया गया, बाजाता पंडित नेहरू ने फंडिंग करके हराया, उस वक्त मुस्लिम लीग ने अपनी एक सीट रिजाइन करके कलकत्ते से फिर जिताया। मुसलमानों का मकसद ये था कि बाबा साहब को की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा और नतीजतन आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो कुछ भी रिजर्वेशंस मिले हैं आज उसी वजह से आज हम खड़े रहकर बोल सक रहे हैं। मैं अपने भाइयों से तय फोन देता हूँ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से कि आप जब भी बुलाएं, जहां भी बुलाएंगे, जिस तरह से बुलाएंगे, हम आपके साथ हैं। और इसलिए साथ हैं कि अगर आपको इंसाफ मिलेगा तो हर वो आदमी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप 52% है, बाकी कोई 15% है, कोई 10% है, कोई 7% है। इस तरह से इंसाफ बड़े मत को जब मिलेगा, आप जो है गिनती कराने के ऊपर सेंसस के लिए ठहरे हुए हैं, एक्चुअली सेंसस तो होना है कि वो बमनों का सेंसस होना है, वो छतरी का सेंसस होना है, वो वैश का, तो हमको पता चलेगा कि आपकी जो है संख्या कितनी है और भागीदारी कितनी है, और आपकी संख्या कितनी है, आपकी भागीदारी कितनी है। आज आपका सेंसस इसलिए नहीं करते हैं कि आपकी भागीदारी का अंदाजा हो जाएगा और आप जागेंगे, आपको जागने नहीं देना चाहते हैं, ये जो है इनकी पॉलिसी है। मैं अपनी ये बात रखते हुए फिर से आपको तयकुन देता हूँ कि मुसलमान आपके साथ है, उसकी वजह यह है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ है और इंसाफ के लिए हम बराबर लड़ेंगे और आपके साथ रहेंगे। थैंक यू, मुझे वक्त दिया गया।